सीधा आपको सुनवाते हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। देखिए मुख्यमंत्री जी न खुद सोते हैं चैन से इधर परिणाम के बाद, और न किसी अधिकारी को सोने दे रहे हैं। अखिलेश जी, ये भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जैसे भेड़िए का इस वक्त आतंक है, 2017 से पहले चाचा भतीजों का आतंक था। आप उलझो मत, आप बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि अखबार मीडिया भी थोड़ा बाइज्ड है। 46 में 56 क्यों नहीं पूछा आपने? वो तो सदन की बात है, ये तो सदन की बात है। 46 में 56 हम तो आप ही लोगों से कहेंगे, कम से कम उन्हीं से पूछिए कि 46 में 56 वाली सूची कब आएगी, आएगी कभी कि नहीं आएगी। और फिर जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। किस बात के लिए सपने देख रहे हैं? जो बात ये कहते हैं कि 2017 के पहले प्रदेश में लूट थी, यही तो कहते हैं। अभी जो बयान आ रहा है कि 2017 से पहले लूट थी, क्या उस समय भी मुख्यमंत्री जी शामिल थे उस लूट में? वो ये भी कहते हैं नौकरी के नाम पर वसूली होती थी। तो आज के अधिकारी कर्मचारी जो मुखंडी को आरोप लगा रहे हैं, जिन पे आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर, क्या वो अधिकारी और कर्मचारियों से माफी मांगेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो अधिकारी कर्मचारी उनके आसपास ही घूम रहे हों? तो सपा अध्यक्ष को अभी आप सुन रहे थे, योगी सरकार पर निशाना साधते हुए